गुड मॉर्निंग क्लास, मैं मोहित कटारिया आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज देखिए हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स और हिंदी में से बोलते हैं अव्यू। आज हम जाना है कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, किस तरीके से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं और किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें रो और कॉलम जो है वो कंटेन करते हैं। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम हमारे होते हैं। तो देखिए किस तरह से हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ऐसी संरचना जिसमें रो और कॉलम होते हैं तो हमारी क्या कहलाते हैं, हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखते हैं कि ये जो रो और कॉलम हमारे पास दो शब्द हैं कि ये है क्या। देखो आपने, आप सभी ने देखा होगा कि हमारी दो ही तरह की लाइन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जैसे हमारे एक स्केल है, ये जो पड़ी हुई लाइन से बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कह सकते हैं इसे सीधी रेखा। ऐसे ही अगर मैं इसे इस टाइप से खड़ा कर देता हूँ तो ये इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ये इस टाइप से मैंने कर दिया तो इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा, जो पड़ी हुई लाइन है वो हमारी क्षैतिज रेखा कहलाती है। और अगर मैं इस रेखा को इस टाइप से खड़ी कर दूँ तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन हमारी कहलाती है। तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इंग्लिश में ही इसको बोलते हैं रो, मैं इसे आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलम तो इसे मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखते हैं, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, लेट करता हूँ कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका नाम है के, और इस टाइप से बड़े वाला ब्रैकेट लूँगा और इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये जो हमारी देखिए जो पहली लाइन है इस टाइप से जो क्या कहलाएगी, ये जो खड़ी लाइन है तो इसे बोलते हैं सिंगल। इस टाइप से ये पूरी जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सी टू, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, इसे बोलेंगे हम कॉलम 3। इस टाइप से जैसे ये पड़ी लाइनें हैं इन्हें तो हम क्या कहेंगे रो, तो मैं इसे लिखता हूँ रो 1। ये कौन सी है, दूसरी लाइन है, तो रो 2। ये कौन थे, तीसरी है, तो मैं से बोल दूँगा रो 3। अच्छा, तो अब हम देखो इसका जो सिंबल है, सिंबल होता है ये सिंबल यानी कि हम इसे कहते हैं हिंदी में संकेत। ये हमारा मैट्रिक्स का संकेत है। संकेत क्या है, ये मैं ब्रैकेट लेता हूँ बड़े वाला, थोड़ा सा मोड़ दूँगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका संकेत है मैट्रिक्स का। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, ये इसके अंदर होते हैं, ये जो इस मैट्रिक्स के अंदर है वो क्या कहलाते हैं, ये हमारे अवयव कहलाते हैं। अब दो बार से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक और मैट्रिक्स बना दी। और अब मैं इस मैट्रिक्स में क्या लिखता हूँ, ये जो हमने इसके अंदर डाले गए हैं नंबर्स है इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स के अवयव या अवयव के अवयव। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें नंबरों को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बोल सकते हैं अवयव। इसे बोलते हैं अवयव। हाँ, तो बच्चों हमने सीखा था कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट या अवयवों की संख्या बोलते हैं। अगर हमें ये पता करना है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब कितने अवयवों की संख्या कितनी है। देखो पहले आप लिखो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, मतलब अवयवों की जो संख्या है उसमें 9 है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें अवयवों की संख्या 9 है, तो हम इसमें काउंट करके इसका पता लगा लें, मतलब गिनकर, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमें क्या होगा, हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स या
नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इसमें कितनी रो है, यानी कि कितनी जो है वो पड़ी वाली लाइन है, कितनी रो है इसमें। तो हमने देखा ये हो जाएगी हमारी रो वन, ये हो जाएगी रो टू, ये हो जाएगी रो थ्री। कितने कॉलम है इसमें, इसमें कॉलम है सी वन पहला कॉलम, दूसरा कॉलम थर्ड, यानी कि तीसरा कॉलम, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, बस रो जितने रो हैं और जितने कॉलम हैं उन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, उन दोनों की गुणा करनी है, और गुणा करके जो हमें मिलेगा वो उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो कितनी रो है, तीन ही रो है, तीन ही कॉलम है, तो टोटल तीन दिया नौ, अवयव की संख्या कितनी होगी इसमें, तीन दिया नौ हो जाती है, तीन दिया नौ। अब एक और चीज़ आती है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला, सेकेंड नंबर पर अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड नंबर पर हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब होता है इसमें रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स हो वो 3x3 की हो, 3x2 की हो सकती है, 3x1 की भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम ये तो फिर यहाँ पर जो लिखते हैं ना साइड में, ये मान लिया हमने एक मैट्रिक्स बनाई, ये हमने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाई, और इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, m इंटू n लिखते हैं। तो जो m इंटू n लिखते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना, ऑर्डर बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बता देता है कि मैंने आपको कहा था कि जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्या करते हैं, बड़े वाला ब्रैकेट हम बना लेते हैं और उसके अंदर जो हम एलिमेंट डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवयव के अवयव तत्व बोले जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। मैं सर सही से करके लिख देता हूँ एक बार, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया होगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखो, पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सेटिंग आते हैं हमारा क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स या हम बोलेंगे आवयव के प्रकार, आवयव के प्रकार कितने प्रकार की ये आवयव मैट्रिक्स हो सकती है। इसी के ही अंडर सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स आती है वो होती है हमारी रो मैट्रिक्स, इसका नाम ही क्या होता है, रो मैट्रिक्स, जैसे कि नाम में ही क्या है, रो छिपा है, तो उसका मतलब इसमें रो ही होगी, यानी कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें केवल एक रो हो और कितने भी उसमें कॉलम हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसका नाम है रो मैट्रिक्स, ये मैंने एक मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये क्या है, ये हमारी रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल और केवल एक ही रो होती है, ठीक है, एक ही क्षैतिज लाइन होती है जो पड़ी हुई लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, इसका ऑर्डर लिखवा, तो रो तो इसमें कितनी होगी, एक होगी, कॉलम कितने होंगे देखोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने कॉलम है, 6 कॉलम। तो ये क्या है हमारा, ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो रो मैट्रिक्स समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे ही हम चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की क्या हो, एक होनी चाहिए, केवल और केवल कॉलम की संख्या तो एक होनी चाहिए, चाहे रो उसमें कितनी भी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो केवल एक ही क्या होगी, एक ही कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स बनाओ 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से कर दीजिए अपन, ये आपकी होगी कॉलम मैट्रिक्स, इस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लो। अब हमें पता है कि कॉलम तो कितना है, एक ही है, लेकिन रो कितनी है, रो है हमारी 5,
ठीक है, पांच रो है, कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 5×1। एक बात और ध्यान रखना कि सबसे पहले जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम पहले रो की संख्या लिखते हैं, बाद में कॉलम की संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो एक रो मैट्रिक्स हो गई, एक हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। मैं यहाँ पे जो लेता हूँ, ये क्या है जिसमें केवल एक रो है ना, यहाँ पर लिखता हूँ मैं जिसमें केवल एक कॉलम है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। मैंने जो स्टार्टिंग में जो आपका एग्जांपल बनाया था वो हमारा था स्क्वायर मैट्रिक्स का। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि रो और कॉलमों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, ठीक है। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे क्या के स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं वर्ग आकृति। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि रो और कॉलम की जो संख्या होती है ना वो बिल्कुल बराबर होती है, मतलब जितनी रो होगी उतनी ही उसके अंदर कॉलम होगी, ठीक है। जैसे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, देखो नंबर ऑफ रो जितनी होगी और जितनी इसमें नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब पंक्तियों की संख्या और ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या, ठीक है। तो इसका ऑर्डर लिखो आप, 3 ही कॉलम है, कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद हमारी एक और मैट्रिक्स होती है जिसका नाम है हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मतलब हमें पता है कि क्या होता है, रेक्टेंगल आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। तो जैसे नाम से पता चल रहा है हमारा क्या है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ठीक है। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो यानी कि कॉलम्स की संख्या और रो की संख्या जो है वो बराबर नहीं होती। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 3 रो हो 2 कॉलम हो या 2 रो हो 3 कॉलम है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको कहूँ, ये ले लो आप, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 तो ये एक ऐसी एक हमारी रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, जैसे आयत आकृति भी बोल सकते हैं, ठीक है। रो की संख्या देखो इसमें कितनी है, 1 रो ये होगी यानी कि रो 1 और रो 2। अच्छा, कॉलम की संख्या देखिए आप कितनी होगी, इसमें 7 हो गया, 2 और 3, मतलब कॉलम की संख्या हो गई इसमें 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका पहले रो लिखते हैं तो रो इनटू कॉलम, यानी कि 2 रो है 3 कॉलम है, इसका इसे हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोल देंगे। ये हम कह सकते हैं इस रेक्टेंगल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। या तो रो ज़्यादा होगी या फिर उसमें कॉलम ज़्यादा होंगे, कभी भी रो और कॉलम की जो संख्या है वो बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना ही रखो।